तक इनकी अर्जी स्वीकार हो रही तब तक आगे गुरुजी भगवान श्री सन्यासी बाबा की अर्जी प्रेरणा से तीन अर्जी और स्वीकार हुई हैं जिनको हम बुलाना चाह रहे हैं। बालाजी महाराज की प्रेरणा से पहली अर्जी ये आई है, यहाँ लाल साड़ी पहने हुए माताजी जो खड़ी हैं, हाँ आइए है। साथ में जो भी हो बहन लेकर के आइए। दूसरी अर्जी पीछे से स्वीकार हुई पंडाल के बाहर मैदान में जो बहुत लोग विराजमान हैं उनमें अर्जी स्वीकार हुई है और राम 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 साथ, हाँ एक बालक खड़ा हुआ है पीछे की तरफ में नीलेश नाम का, आ जाए तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है। और दूसरा यहां पर एक लापता हुए व्यक्ति की अर्जी लेकर के बैठे हुए हैं कागज साथ में, आ जाइए तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार है। आइए नजदीक सोनू है, नाम राम नाम ही तो लिया है, हाँ तुम्हारी है। कहां से हो? छत्तीसगढ़ से है? छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में तो हम भी हैं। कहाँ छत्तीसगढ़ में कहाँ? बेमेतरा, ऐसा बोलो बेमेतरा जो पीछे छोड़ के आए हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ में तो हम भी हैं। हमने एक आदमी से पूछा होगा वो भी छत्तीसगढ़, हमका कहाँ रहते, बोले पृथ्वी पर। ले बताओ ये कोई उत्तर है? है हम भी बहुत बड़े वाले हो, छत्तीसगढ़ का आदमी से हम हार जाए। उसने हमें एक दिन फोन लगाया, बोले गुरु जी कहां से बोल रहे, हमका मुंह से। फिर चुप हो गया, समझ गया कि गुरु से पाला पड़ गया है। बोलो सीताराम सीताराम। ऐसे इनसे हमने कहा बोले छत्तीसगढ़। अब भाई अगर मध्य प्रदेश में बोले होते तो छत्तीसगढ़ ठीक। हाँ भाई छत्तीसगढ़ से, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब छत्तीसगढ़ में बैठे हो, छत्तीसगढ़ हाथ हो गई यार है? क्या खा के आए सुबह सुबह से? मूली तो नहीं तुमने खाई थी? सीताराम सीताराम। तो तुमने यहाँ किसी को नाम लिखवाया था क्या? बताया था क्या? नहीं। तो तुम्हें तो भरोसा नहीं था कि बुला लेंगे? नहीं भरोसा था मेरे को, पहले भरोसा था, पहली बार आया हूँ गुरुजी दरबार में। हाँ मैं बोल चुका था सबको कि मेरा अर्जी लग गया है, एक बार भिलाई आने वाले थे तभी मैं बोला था, संगवारी लोग बैठे हुए हैं उनको बोल दिया था मेरी अर्जी स्वीकार है, और बिल्कुल स्वीकार है, घर पे बोल के आया था। इतना विश्वास गुरुजी। हनुमान जी ने ठीक सुनी तुम्हारी, तो शुरू से भक्त हूँ गुरुजी, मगर थोड़ा सा तकलीफ हुआ है। अब तुम धाम आना, रो मत, अब हम बैठे हनुमान जी से हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे, चिंता मत करो जी गुरुजी। और तुम धाम आना जी। हमने लिखा, क्या समाधान चाहते हो तुम बताओ? गुरुजी आप तो जान ही रहे क्या क्या हमारे को कष्ट है, क्या तकलीफ, क्या हो गया है गुरुजी? मेरी एक बच्ची थी वो खत्म हो गई, अब कैसे खत्म हो गई उसको जानना है। मेरे घर पे हमेशा बीमार दुखी चलता रहता है, मैं आया हूँ बाहर। उसका नाम क्या था? उसका नाम परी नाम था, राशि कुछ और था, परी राशि नाम था। हाँ बोलते क्या थे उसको? राशि करके बोलते थे सर। हाँ जी पढ़िए, रो मत, नजदीक आओ नजदीक आओ, पढ़ो। परिवार में सुख शांति नहीं, सभी बीमार रहते, उठा पटक बहुत मची हुई, पेट व सिर की पीड़ा, तंत्र से परेशान, भूत बाधा हैरान कर रही, सबको कंपन बनाती है, सिर जकड़न करवाती है। आप बेटी की मृत्यु का रहस्य जानने आए, राशि राशि नाम की बेटी तांत्रिक विद्या के प्रयोग के कारण ही खत्म हुई, पेट व शरीर में दिक्कत बन गई थी, माइक ऊपर करो, इन्फेक्शन बताया गया था, इन्फेक्शन नहीं था तंत्र ही था, लेकिन अब लौट कर किसी का बाल बांका नहीं होगा, आशीर्वाद है। बराबर जी। अब तुम रो मत, एक बात और, साधु जी राम
धंधा पानी भी नहीं चले गुरु जी। हम माइक नीचे रखो तुम, ये बात तुम अपने तक रखना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक दिक्कत और वो करने वाले हैं नजदीक आओ। ये हम सिर्फ पढ़वा रहे, माइक से नहीं बोल रहे, क्योंकि कई बार हम विवादों में फंस जाते हैं, अदालती काम होने लगते हैं। यहां से तुम पढ़ना, ये तांत्रिक लिखा, ये करवाने वाला लिखा, ये इनका हाथ आ रहा है, समझ गए? इन्हीं ने पैसा दिए हैं, मायके में जानकार है, इन्हीं के द्वारा क्रिया की गई है, लेकिन इस बात को अपने तक रखना है, उपद्रव नहीं मचाना, ये उन्हीं के बारे में, ये मारण विद्या है, ठीक है? हमारा नाम ना बताइए, चुप रहिए, हमें ना फंसवाइए बेटा, ना पुलिस हम बताइए मालिक, नहीं तो मैं मर जाऊं। मैं गरीब आदमी हूँ बेटा, मोरे को अबे मोरी अभी शादी तक नहीं भाई, मोह ना मार। माइक से करवाया, पूरे घर में उपद्रव मचू, पूरे घर में उठा पटक मची, सवा जकड़े, मुंह भी चला उतरा, उल्टा सीधा, घमंड है, घमंड के कारण तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा आज से, हम बैठे जाओ, तुम पढ़ो मूड़ धर के पाओ, पढ़ लो अच्छे चेला हो, अंगूठा टूट जाए, तेज कर तेज कर। क्या चाहते हैं? गुरु दक्षिणा चाहते हैं। गुरु दक्षिणा जी सर, मतलब हम भैया दक्षिणा ना दे पावी, क्षमा कर, दीक्षा चाहे ले लो जी सर, दीक्षा चाहते हैं। अच्छा, तुमने दक्षिणा कहीं से उमटा रखा है ना? नहीं नहीं, क्योंकि अभी हमारे ऊपर कन्या विवाह भी है, और कन्या विवाह का बहुत खर्चा है हमारे ऊपर, 4-5 करोड़ का, और हमारे लोगों उतने रुपया है, वो तो कथा यजमानों से हम ले लेते हैं, कुछ कुछ मिल जाते हैं, अब हमें लोगों से मांगना, और तुमने दक्षिणा मांगी, हम डरा गए, दीक्षा ले रही हो, कल दीक्षा ले रही, दक्षिणा तुम दे रही हो, और तुम धाम आइयो, आज से तुम्हें रोना नहीं है, और जो तुम्हारी हंसी उड़ाते थे बता देना कि हम जरूर बागेश्वर बाबा के चेला थे, देखो वह लगी अर्जी, जा सीताराम, धन्यवाद, खुश हो, हनुमान जी जय श्री राम।